हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 मार्क्स सेशन का एक क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन एंड ज्योमेट्री। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है, एंड इस तरह के क्वेश्चन से आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिविजन कर सकते हैं। तो आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एंड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगा है, वो कॉन्सेप्ट्स जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड उन सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं या कॉन्सेप्ट लगेंगे वो क्वेश्चन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन में आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है आपको डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन से आपको डायग्राम आपको बनाना है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं वन बाय वन करके, एक एक लाइन को, और उसके बाद फिर हम लोग जो है जो डाटा दिया हुआ उसको हम लोग पुटअप करके डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। ए बी सी डी एक स्क्वायर है यूनिट लेंथ साइड का। लेट ए सर्कल सी वन सेंटर्ड एट ए विथ यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। यानी सबसे पहले क्या करो, ए बी सी डी एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, और वो स्क्वायर को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अलाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अलाइन कर सकते हैं। यानी सबसे सिंपल क्या होता है कि एक्स एक्सिस को एक साइड ले लो स्क्वायर का, वाई एक्सिस को एक साइड ले लो, और इस तरह का अगर स्क्वायर हम लोग यहाँ बना दे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यहाँ पर कहीं ना कहीं सी होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं डी, तो हम लोग ने एक स्क्वायर इस तरह से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इस तरह का एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। ये स्क्वायर का साइड कितना है, वन यूनिट है। ये स्क्वायर का साइड है वन यूनिट, यानी दिस लेंथ मस्ट बी वन। अगेन आपको ये बोला गया है सेकंड लाइन में, एक सर्कल सी वन ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर कहां पर है, ए पर है, सर्कल का सेंटर ए पर है, और इसका रेडियस क्या है, यूनिट है। दैट मीन्स एक सर्कल ड्रॉ होगा, है ना, और वो सर्कल किस तरह का होगा, इस तरह का आर्क टाइप से एक सर्कल हो जाएगा। इस तरह से आप चाहे तो इस सर्कल को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्स्ट पार्ट में ही ये, मतलब ये जो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आर्क है ये सर्कल है, ठीक है। और ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल आपका सी वन है। कैसे ड्रॉ किया, एक सर्कल है जिसका रेडियस वन है, दैट मींस ये ए बी और ए डी सर्कल सी वन का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और सेंटर कहाँ पर है, ए पर। अगेन आपको बोला गया अनदर सर्कल सी टू विच टचेस सी वन, यानी सी टू जो है आपको सी वन को क्या करेगा, टच करेगा। तो सी टू सर्कल आपको सी वन को टच करेगा और बोल रहा है ए डी एंड ए बी, यानी एक्स और वाई एक्सिस वो सी टू का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ इस तरह का सर्कल होगा जो ये सी वन को इंटरनली टच करेगा एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच करेगा। और ये जो सर्कल है रेड वाला, जो सर्कल हम लोग ने ड्रॉ किया है, दिस सर्कल इज सी टू। ये कौन सा सर्कल है, सी टू हो गया माई डियर फ्रेंड। चलो, वेरी गुड। फिर आपको बोला गया है लेट ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट सी, यानी सी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वो C2 सर्कल को मीट कर रहा है द साइड AB एट E, यानी यहां से C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और वो टेंजेंट जो है AB को E पॉइंट पर कट करेगा। यानी इस तरह का कुछ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये जो टेंजेंट होगा इस तरह का, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये E पॉइंट पर आपका टच किया। तो आपको बोला जा रहा है ये जो EB है माय डियर फ्रेंड, EB का लेंथ आपको निकालना है अल्फा प्लस रूट थ्री इंटू बीटा, यानी ई बी इस फॉर्मेट में होगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है वेर अल्फा बीटा इंटीजर। अल्फा बीटा क्या है, इंटीजर है। तो इतना डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा विदाउट विच वी कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पता चल गया कि सी वन एंड सी टू जो है ये इंटरनली टच कर रहा है। कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। और ये जो C2 सर्कल है ये किसको भी टच कर रहा है, C2 वाला X एंड Y एक्सिस को भी टच कर रहा है, C2 वाला X और Y एक्सिस को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था। अब हम लोग फटाफट इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन निकाल लेंगे, और अगर आप गौर से देखोगे तो ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा, वन कॉमा वन, ये सी पॉइंट वन कॉमा वन, ये बी पॉइंट हो जाएगा वन कॉमा जीरो, और ये जो डी पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 0.1, और ए पॉइंट 0.0 ओरिजिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सी वन, हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सी वन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ सी वन।
C1 का सेंटर कहां पर है? A पॉइंट पर है, यानी C1 का सेंटर 0, 0, और रेडियस कितना है C1 का? 1 है, है ना? तो इक्वेशन ऑफ C1 x माइनस 0 होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम लोगों ने फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दिया, एक नंबर इक्वेशन इसको दे दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं ये मान सकता हूं इक्वेशन ऑफ C2 लिखना है मुझे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ C2। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि C1 और C2 का इक्वेशन निकाल लेंगे तो क्वेश्चन टेंजेंट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग C2 का इक्वेशन लिखेंगे और जो C2 सर्कल आपको बताया गया है x एंड y एक्सिस को टच कर रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है अगर कोई भी सर्कल x और y एक्सिस को टच कर रहा है इसका सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये सेंटर को हम अल्फा नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल में है, तो बेटर इसको हम r, r ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं? r, r, यानी हम इसको सेंटर को ले लेंगे r, r, और इसका जो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू r, मॉड ऑफ r, है ना। और यहाँ पर मैं जो सेंटर r, r होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? C2 सर्कल। ये C2 कौन से क्वाड्रेंट का सर्कल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यानी जो भी r होगा वो मस्ट भी क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। तो देखो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कल x और y एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट सेम होता है और उसी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। तो C2 का इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, इट इज द इक्वेशन ऑफ C2। तो अब यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट लगने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? हम इंटरनली की बात कर रहे हैं कि अगर दो सर्कल इंटरनली टच करेगा, दो सर्कल इंटरनली टच करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको रिविजन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 एंड C2, यानी C1 और C2 के बीच का जो सेंटर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यानी एक का रेडियस R है और दूसरे का रेडियस कितना है? 1, ठीक है, यानी R1 माइनस R2। तो यहाँ पर मैं एक का सेंटर 0, 0, एक का R, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करें तो यहाँ से आपको एक रिलेशन इस तरह का मिलेगा कि अंडर रूट ऑफ R माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस R माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू एक का रेडियस कितना है? R है, और दूसरे का लेंथ 1, यानी मॉड ऑफ R माइनस 1। और जब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं तो 2R² यहाँ पर 2R² इक्वल टू R² माइनस 2R प्लस 1, तो यहाँ से आपको बन जाएगा R² प्लस 2R माइनस 1। और जब यहाँ से R का वैल्यू लिखोगे तो R इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 B² माइनस 4AC डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से R का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, है ना, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2। और यहाँ पर मैं जब हम लोग R का वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो R का वैल्यू ऐसे भी आपको नेगेटिव होना नहीं है, है ना, तो R इक्वल टू आ जाएगा रूट टू माइनस वन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यहाँ पर मैंने बताया ना कि R मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, जो भी R का कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि सेंटर आपने R, R लिया हुआ है ना, ये R, R लिया हुआ है, तो R का आंसर आ गया रूट टू माइनस वन। अभी R का वैल्यू आया है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो R का वैल्यू आ गया। अब हम ये करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ये जो CE लाइन है टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इसका सेंटर, अगर इसका सेंटर को हम लोगों ने C2 ले लिया, ठीक है, या कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैं इसको सेंटर को P ले लूँ यहाँ पर मैं, तो ये सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस के, है ना, यहाँ पर M ले लिया, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं, अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो CE है ये टेंजेंट का इक्वेशन हम फटाफट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैं ऐसा लिख दें, यहाँ पर मैं नाउ सेकंड स्लाइड में हम लोग चलते हैं, अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ CE लिख दें, है ना, ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा था? 1, 1 से पास कर रहा है, और मैंने इसका स्लोप को m ले लिया, तो CE का इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, y माइनस 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस 1, मैंने जानबूझ के इस तरह से ले लिया। और ये m क्या है?
एम यहाँ पर हमें स्लोप किसका है, सीई का, स्लोप ऑफ सी, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, यहाँ पर प्लस वन माइनस एम, इसको मैंने थर्ड नंबर इक्वेशन दे दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये सी है ठीक है, और ये जो सी है ये क्या है, टेंजेंट है, यानी यहां लिख सकते हैं इक्वेशन थ्री इज टेंजेंट टू सी टू सर्कल, ये सी टू सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो वह उसका फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ, जो यहां पर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इक्वल टू रेडियस, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना था, मैंने आर लिए, अभी आर में ही लिखते हैं ठीक है। तो एम आर माइनस, सेंटर का कोऑर्डिनेट आर था, तो एम आर माइनस आर प्लस वन माइनस एम डिवाइड बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर मैं कितना था रेडियस, वो आर के बराबर है, ये रेडियस कितना है, ये रेडियस ऑलरेडी आर के ही बराबर है, तो ये आर के बराबर हो जाएगा ना, इसको लिख देते हैं इक्वल टू आर। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखो, यहां से एम एम माइनस वन और वन माइनस एम कॉमन आ जाएगा, यानी वन माइनस एम इन टू, इसको अगर होल स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 माइनस एम का होल स्क्वायर इन टू, यहां पर 1 माइनस एम किया तो यहां पर मैं बन गया 1 और 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इन टू वन प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर का वैल्यू आपको आया हुआ था कितना, आर का वैल्यू आपको आया था आर इक्वल टू रूट टू माइनस वन, आपको आर का वैल्यू आया था रूट टू माइनस वन। इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान से कैलकुलेट करना है, तो आप इसको लिख सकते हो वन माइनस एम का होल स्क्वायर इन टू, यहाँ पर देखो वन वन माइनस रूट टू प्लस वन, यानी टू माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो टू माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज टू माइनस रूट टू का होल स्क्वायर, यानी फोर प्लस टू माइनस फोर इंटू रूट टू इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे रूट टू का होल स्क्वायर यानी थ्री माइनस टू रूट टू इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। तो यहां पर मैं देखो बहुत सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, कैसे, ये वाला टर्म हो जाएगा सिक्स माइनस फोर रूट टू और ये थ्री माइनस टू रूट टू, यानी यहां से इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। यहां पर मैं यहां से टू कॉमन ले लोगे तो थ्री टू इंटू यानी सिक्स माइनस फोर रूट टू, तो यहां पर मैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू एम स्क्वायर, टू एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस टू इक्वल टू वन, इधर में वन प्लस एम स्क्वायर। तो वापस अगर इसको हम लोग सॉल्व करें क्वाड्रेटिक को यहां पर में ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस फोर एम, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहां से m के वैल्यूज आ जाएंगे माइनस पी, यानी फोर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया बी स्क्वायर सिक्सटीन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर यानी ट्वेल्व, यानी टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू। तो यहां से m के दो वैल्यूज आएंगे, m के दो वैल्यूज आएंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूज, एक वैल्यू आएगा m इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री और m इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। अब ध्यान से देखो कौन सा वाला, यहां पर मैं दोनों तो होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों में से कोई एक होगा और कोई एक नहीं होगा। अब देखो इसमें से ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा m इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, m इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, क्यों ऐसा होगा, तो वापस डायग्राम पे हम लोग चलते हैं, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है यहां पर में। तो आप इसको देखो, यहां पर मैं डायग्राम को देखो ध्यान से, ये जो लाइन होगा ये जीरो जीरो है, ये अल्फा अल्फा, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा इस लाइन का स्लोप, यानी
जो एसी हो जाएगा, देखो यहां पर मैं ये अल्फा अल्फा, ये एसी जो हो जाएगा इसका जो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री होगा, यानी एसी का जो टेन थीटा हो जाएगा ये कितने के बराबर होगा, वन होगा। एसी का टेन थीटा कितना होगा, वन होगा। ये अल्फा कमा अल्फा है इसलिए ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। ये कौन सा लाइन है, दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन है। तो अगर ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन है, इसका टेन थीटा कितना है, वन है, तो ये जो लाइन होगा सीई इसका स्लोप क्या होगा, वन से ज्यादा होगा। आप देखो इसका एंगल कितना होगा, ये सीई का स्लोप वन से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन को देखो, ये ज्यादा टिल्टेड है एज टू वाई एक्सिस, यानी इसका एंगल सीई का एंगल ये ज्यादा एंगल है इसके साथ एक्स एक्सिस में। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ सीई मस्ट बी ग्रेटर देन वन, यहां पर मैं तो यहां से आ जाएगा स्लोप ऑफ सी, यहां पर लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ सीई ग्रेटर देन वन, वन से बड़ा होगा। तो ये वाला क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या है, वन से छोटा है, यानी एम इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री। यानी जो सी का इक्वेशन आया दैट विल बी वाई माइनस वन इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब ये बोल रहा है कि ये सी जो है एक्स एक्सिस को ई पॉइंट पर कट किया है ना, ई पॉइंट पर कट किया है, और ये EB का लेंथ निकालना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये x एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए CE में y को क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। यानी CE में यहाँ पर क्या कर दूंगा, x एक्सिस के लिए अगर ये x एक्सिस को इंटरसेक्शन करेगा और पॉइंट E के लिए आप क्या करोगे, y इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें हम लोग y इक्वल टू जीरो यानी माइनस वन इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है ना, क्योंकि ये हमका वैल्यू हो गया। तो माइनस वन इक्वल माइनस वन डिवाइड बाय टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू वन प्लस यहाँ पर मैं आपको मिलेगा माइनस वन इंटू यहाँ पर मैं टू माइनस रूट थ्री और डिवाइड बाई कितना हो गया वन। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, देखो ये माइनस वन यानी माइनस वन प्लस रूट थ्री, एक्स का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन प्लस रूट थ्री। तो ये वाला जो ई पॉइंट आ गया, ये वाला जो ई पॉइंट आ गया यहाँ पर में, ये जो ई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ गया माइनस वन प्लस रूट थ्री। अच्छा अब अगर बी लेंथ निकालना है तो बी कितना हो जाएगा, वन से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना है, वन है, और ये वाला यहाँ पर में ई का कोऑर्डिनेट आ गया। तो बी को हम लिख सकते हैं, यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पर में BE का लेंथ हो जाएगा BE इक्वल टू वन माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा वन माइनस माइनस वन प्लस रूट थ्री। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री। और आपको BE का लेंथ कितना दिया हुआ है, BE का लेंथ ये दिया हुआ है कंपेयर करने पर अल्फा प्लस रूट थ्री इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या इंटीजर है, तो ये वाला वैल्यू अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर में जो बीटा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन, बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस वन, यानी अल्फा इक्वल टू टू एंड बीटा इक्वल टू माइनस वन। तो आपको जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है इट विल बी इक्वल टू वन, इट विल बी इक्वल टू वन।